फाइनली इस समय हम हैं विशाखापट्टनम के आर्के बीच पे। हमारे बगल में है INS कुरसुरा, जो कि एक इंडियन नेवी का रिटायर्ड सबमरीन है। हम आपको दिखाएंगे इस नेवी का, इस INS कुरसुरा का पूरा इंटीरियर, पूरा सब कुछ दिखाएंगे आपको। साथ साथ दिखाएंगे कि क्या इसके चार्जेज हैं, क्या इसका पूरा डिटेल साथ साथ बताएंगे आपको। इसके अंदर जाने का चार्जेस क्या है, अगर आप फोटोग्राफी और साथ साथ वीडियो भी बनाने चाहते हैं अंदर में, तो आपका 120 रुपीज़ का चार्ज लगेगा, जो कि बार काउंटर पे आपका होता है। तो मैंने इसका 120 रुपीज़ का स्पेशल टिकट लिया है अंदर का वीडियो बनाने के लिए। मैं आपको पूरा अंदर का इंटीरियर दिखाऊंगा कि कैसे अंदर का पूरा सिस्टम है, कैसे फंक्शन करता है। तो आइए मेरे साथ INS कुरसुरा का आप भी यात्रा करिए। आइए चलते हैं। फाइनली हम लोग यहाँ से एंट्री किए और यहाँ से करते करते हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। मेन पॉइंट है INS कुरसुरा के मेन एंट्री पॉइंट पे हम इसमें मौजूद हैं। हमारे ठीक बगल में INS कुरसुरा और इसके ठीक फ्रंट में देखिए विशाल समुद्र, काफ़ी लाजवाब है। आइए मैं आपको INS कुरसुरा के अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ अंदर का व्यू। आइए मैं आपको INS कुरसुरा के अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ अंदर का व्यू। अंदर जाने के पश्चात कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए 2002 के समय में RD पाठक जी यहाँ के कुछ रहे होंगे, तो उनका यहाँ पे चित्रण दिखाया गया है। कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है पूरा अंदर का, बहुत ही ज़्यादा जटिल बनाया गया है, कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। शायद ये टॉर्पेडो वगैरह है, टू मैनी थिंग्स हियर इनसाइड। तो देखिए शायद यहाँ पे इनका वॉश बेसिन है और कंपार्टमेंट नंबर 2 है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे इनका पूरी तरीके से कैप्टन का केबिन बनाया हुआ है। इधर भी कैप्टन का केबिन, काफ़ी ज़बरदस्त है। सोने का कंपार्टमेंट, इधर ऑफिसर्स का सोने के लिए पूरा सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। इधर आपका डाइनिंग रूम है, इधर भी सोने का व्यवस्था है लोगों का, पूरा काफ़ी कॉम्प्लेक्स काफ़ी जटिल है। ये हम आपको आगे ले चलते हैं। इधर देखिए डिनर सिस्टम है, अंदर लॉक लगा हुआ है, इसके अंदर हम जा नहीं सकते। फाइनली देखते हैं, सिस्टम इधर पे बना हुआ है लोगों का, हमारे आर्मी के जवानों को सैल्यूट करते हैं लोग कि वो ऐसे जटिल कॉम्प्लेक्स प्लेसेस पे कैसे रहते होंगे। इवापोरेटर सिस्टम, तमाम थिंग्स, कंडेंसर वाल्व, हियर इज टू मेनी सिस्टम्स हियर इनसाइड इन द INS कुरसुरा। हियर इज कुकिंग सिस्टम किचन इनसाइड द INS कुरसुरा, मेकिंग इडली। टू मेनी connecting wire and mechanism here in inside of INS Kursura.
यू कैन सी हियर टू मेनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हियर, इंजन कंट्रोल सिस्टम, बाबू जैसे नाउ वी लिव इन कंपार्टमेंट 5, हियर द टर्निंग सिस्टम एंड यू कैन सी हियर द मैकेनिज्म ऑफ इंजन, इंजन वर्किंग सिस्टम, दिस इज टू मेनी कॉम्प्लेक्स ऑफ INS कुरसुरा। हम अपने देश के जवानों को सैल्यूट करते हैं कि वह ऐसे कॉम्प्लेक्स प्लेस पे कैसे रहते होंगे। नाउ वी कम्स इन कंपार्टमेंट नंबर 6। INS कुरसुरा काफ़ी ज़बरदस्त है। हमारे देश के जवान इतने जटिल कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कैसे रहते होंगे, ये काफ़ी सैल्यूट की बात है हमारे लिए, हमारे देश के जवानों के लिए। हम उनको सैल्यूट करते हैं। तो INS कुरसुरा का फाइनली हम लोग इंट्री किए उधर से, अब हम एग्जिट करेंगे। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। साथ साथ हम देखिए इस समय INS कुरसुरा से एग्जिट हो चुके हैं। ये पूरा INS कुरसुरा हमने आपके लिए लाया है। अंदर ब्लॉगिंग का परमिशन नहीं होता है, तो इसके लिए हमने स्पेशल ब्लॉगिंग का परमिट दिया है। तो आपको अलग से परमिट देने की पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने पेमेंट कर चुका है और आप वीडियो देखिए, एंजॉय करिए। हाँ, अगर आपको समय मिलता है तो आप INS कुरसुरा जो कि RK ब्रिज पर मौजूद है, यहाँ पर ज़रूर आइए। तो अभी तक इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।